लूं, तो अभी हम सोचने वाले यहाँ पर बैल। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं हूँ उत्तराखंड के असम वादी में से दानिश मेहता। तो दोस्तों आज हम बैल जोतने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आ चुकी है धूप गांव में और नीचे साइड मैंने जोत लिया है, बाकी बचा ऊपर साइड को, तो ऊपर साइड भी मैंने जोतना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है करके, काफ़ी टाइम लगता है इसमें जोतने में। तो अभी देखते इस प्रकार से चलते हैं, बैल हल इस प्रकार से जोतना पड़ता, मुझे तो आता नहीं उतने अच्छे तरीके से। तो अभी देखते इस खेत में इससे पहले गेहूँ बोए हुए थे, उस साइड गेहूँ अभी भी हैं, तो गेहूँ काट के एक बार वैसे ही बोते हैं। बैलों को जब फर्स्ट में ट्रेनिंग मिल जाती है, जब फर्स्ट में शुरू हो जाता है उस टाइम काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे सीखते सीखते उसके बाद बैल सीख जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बैल जोतने में, ये अपने आप ही चले जाते हैं सीधे में। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, एक जहाँ पर हल जोत गया है वहाँ पर जा रहा है, और एक जहाँ पर हल नहीं जोता वहाँ पर जाता है। तो ये देखो, ये हमारा हल है, बाकी ये खाली लगाया हुआ है यहाँ पर, उसमें डाल देते हैं। तो देखो साइड में रुक जाते हैं अपने आप ही, फिर ऐसे मतलब खाली हिलाना पड़ता है, ये अपने आप ही मुड़ जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, तो यहाँ पर हम लगती है सीधे जाएंगे। अगर आपको ऊपर नीचे इनको लगाना है तो आपके हाथ में लकड़ी होगा, लकड़ी से आप ऊपर नीचे को इनको इशारा कर सकते हो, ये जाते हैं ऊपर नीचे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में हल जोता जाता है। तो हमारा तो अभी बहुत है जोतना, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी शुरुआत की हुई है, अभी लोगों ने भी नहीं जोता है, लोग भी धीरे धीरे जोतेंगे गाँव में। हमारे गाँव में ज़्यादातर हल ही चलते हैं, ट्रैक्टर। कई बार दोस्तों हल वल भी टूट जाते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको नशुड़ी बोलते हैं, जो नीचे मतलब जो खोदता है ज़मीन को, तो उसको नशुड़ी बोलते हैं। तो कई बार वो भी टूट जाता है, वो टूटता तब है जब जैसे आगे पत्थर लगता है, तो पत्थर के वहाँ फंस जाता है या फिर इस टाइप से टूटता है, बाकी तो और चीज़ तो कुछ टूटता नहीं हल में, बाकी वही सबसे ज़्यादा टूटता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जोताई होती है पहाड़ी खेतों में। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर खेत लोगों के एक साथ नहीं होते और खेतों में पत्थर भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग हल्का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर के बजाय। तो दोस्तों इस प्रकार से जोतते हैं बैलों को हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो अभी मैं कोने में पहुँच चुका हूँ, तो दोस्तों इस प्रकार से हरीश ऊपर में बैठा हुआ है, तो हरीश और मैं आए थे, तो अब मैं इनको मुड़ाऊँगा पीछे उधर की साइड। तो यार देख लो, उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे हाथ में ही गोप्रो है और उसमें मेरे पास एक लकड़ी भी है, तो इनको ऊपर नीचे लगाने के लिए लकड़ी भी होना जरूरी है, बिना लकड़ी के जाते नहीं हैं। तो देखते हो आप इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में हल जोतते हैं, फटाफट से बार इसको जोतते हैं। बाई अभी थोड़ा बचा हुआ है, जितना जोत चुका हूँ उतना ही और बचा हुआ है। तो देखते इस प्रकार से जोतते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में गाँव में हल।
जैसा कि अभी आपको पता चली गया होगा, हल जोतने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, कैसा लगा आपको और क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, सारी चीज़ें बताना ताकि अगले ब्लॉग में मैं सुधार कर सकूँ। और तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।